के खुलासे के पीछे जो मकसद था वो विकृत आप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने की चेष्टा करना, उसके पश्चात सबूत पिटाना जो कि काम कश्मीरा ने अपने भाई के साथ मिलकर करा, और अंत में लोगों के साथ विश्वासघात करके उनके विश्वास को तोड़ना। इस पूरे अपराध में पुलिस ने धारा 302, धारा 201, धारा 370, धारा 5 MI और धारा 6 पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया है। शीघ्र हम बाकी एविडेंसेस जो हमको प्राप्त हुए हैं उनको भी हम फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमने इसको संदिग्ध अपराध की श्रेणी में लिया हुआ है, चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिया हुआ है, जिसको जल्दी से जल्दी चालान पेश करके जो भी इसमें आरोपी हैं उनको अधिकतम कठोरतम दंड दिलाने के लिए रतलाम पुलिस और SDIG रेंज रतलाम हम लोग न सिर्फ कटिबद्ध हैं बल्कि प्रतिबद्ध हैं। फैजान को जिसने मारा सोहेल, वो और उसके साथ, क्योंकि सोहेल ने उसको मारा है तो 302 कारित करना उसका है, लेकिन कश्मीरा को ये बात 15 तारीख को मालूम थी और अपने भाई के साथ मिलकर उसने डेड बॉडी को बाहर फेंका, तो ये साक्ष्य मिटाने के लिए धारा 201 लगाई गई है जिसमें कश्मीरा आई थी। तो थाने आने के पश्चात जब वो यहाँ से सोहेल को लेके गई तो दोनों भाई बहनों की आपस में बातचीत हुई थी। थाने आने से पूर्व ही वॉशिंग मशीन के अंदर उसने गंध महसूस करते हुए फैजान की बॉडी को देख लिया और रास्ते में दोनों भाई बहनों की ये बात हुई है कि तूने ये क्यों करा, तो ये इसने उसको जो भी जवाब दिया हो, लेकिन इनकी डिसीजन ये हुआ था कि हम जब वापस लौट के आएंगे तो तत्काल इस डेड बॉडी को हम लोग कारित कर ही नहीं सकते। आप ये समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में पुलिस जो थी वो उसके पास कोई भी संदिग्ध नहीं था, जीरोइंग तो थी नहीं, हम लोग तो सिर्फ इस बात की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा कहीं भी हो सकता है, तो वो सिर्फ यहीं आसपास के 200 मकानों पे हमारी जांच केंद्रित नहीं थी, वो तो पूरे जिले से और जिले के बाहर भी केंद्रित थी। दो फेजेस हैं, एक वो फेज जहां से बच्चा गुम होता है और दूसरा फेज वो जिसके बाद बच्चा मिलता है, उसके बाद बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। घटना दिनांक से लेकर डेड बॉडी मिलने तक लगभग रतलाम पुलिस के 200 जवान दिन रात सुबह शाम होटल ढाबे मकान आसपास के टोल टैक्स बैरियर्स, यहां तक कि हमारी विवेचना जो साइबर टीम की थी उसने 5 लाख कॉल डिटेल्स निकलवाई, 1000 गाड़ियों के आसपास हमने सीसीटीवी कैमरास की जो फुटिंग थी उनकी रिकॉर्डिंग देखी है, तो हमने अपनी तरफ से जो प्रयास थे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। पर चूंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि सोहेल ने 5 बजे के आसपास बच्चे को अगवा करने के तत्काल बाद ही यौन अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने के बाद उसको मार डाला, 2 और नए बोरे लेके उसकी डेड बॉडी को वापस एक रिन्यू सील करा और फिर अपने भाई के साथ मिलकर सारे बहन की प्रेजेंस हो, चाहे उसके टॉवर लोकेशन हो, चाहे DNA के सैंपल्स हो, हर एक बात से पुख्ता प्रमाण हो रहा है कि हत्या कार्य जो है वो सोहेल ने की है और उसकी बहन ने उसका साथ दिया इस डेड बॉडी को फेंकने में और छुपाने में। सीसीटीवी में बच्चे के जाने की बात तो मौजूद हो रही है लेकिन आने की बात तो हो ही नहीं सकती क्योंकि बच्चे को तो तत्काल अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करके उसने मारा था, इसलिए तो बच्चा आता हुआ कैसे नहीं देखा। तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि बच्चा जिस समय सीसीटीवी फुटेज से पहली बार दिख के जा रहा है उसके बाद वो लास्ट फुटेज के बाद उसका कोई क्लू मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो उसी जगह उसी मकान में उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने के बाद उसकी हत्या कारित कर दी गई।